इतवार को मुंबई में यशवंत खार ग्रामस्थ उत्कर्ष मंडल एवं ओम साई दर्शन पदयात्री मंडल द्वारा वाहल साई मंदिर तक एक दिवसीय पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान साई मंदिर वाहल के चीफ ट्रस्टी रवि शेठ पाटिल ने इस दिंडी का स्वागत किया। यशवंत खार ग्रामस्थ उत्कर्ष मंडल एवं ओम साई दर्शन पदयात्री मंडल द्वारा मुंबई से लेकर वाहल साई मंदिर तक साई भक्तों द्वारा साई बाबा की पालकी लेकर एक दिवसीय पदयात्रा निकाली गई। की पालकी साईनाथ 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 की पालकी। मुंबई से सुबह 5 बजे से निकली यह साई दिंडी शाम को वाहल स्थित साई मंदिर में पहुंची। इस दौरान वाहल साई मंदिर के चीफ ट्रस्टी एवं करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल ने इस साई दिंडी का स्वागत किया। वर्षा पाकर खिल गई भक्ति की कलिया, साई नाम की वर्षा पाकर खिल गई भक्ति की कलिया, पर चमचू में आसमान को फूलों से मह की गलिया। आशे ढोल नगाड़े बाजे लहर उठे गुलाल की, दौरान रविशेठ पाटिल सहित साई मंदिर वाहल के कार्यकर्ता एवं भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर रविशेठ पाटिल ने उपस्थित साई भक्तों को संबोधित किया। सेवा करने का मौका हमारा मिळालेला आहे, तो सेवा करने का मौका तुम्ही दिलेला आहात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आणि अशीच दरवर्षी तुमची यात्रा अर्थातच ही पालखी आणि सतत वारी चालत राहो ही साई चरणी प्रार्थना करतोय। हा लाभ आम्हाला 100व्या वर्षापर्यंत आम्हाला सतत ही सेवा करण्याचा लाभ मिळो आणि तुमचं जी एकी आहे ती एकी कायम टिकून राहो हे महत्त्वाचं आहे। त्यांनी ज्याने सहकार्य केलेलं आहे त्याने त्यांना मनापासून श्री साईदेवस्थान साईबद्दल वाद करतो मनापासून धन्यवाद। की आज एक रंग एक संघ एक आगळे वेगळे आणि मानाची आणि शिस्तीची दिंडी म्हणून आम्हाला आनंद वाटतोय एवढ्या लांबून येताना आणि खरोखर तुमच्या मनातील मनोकामना सर्व साई पूर्ण करो ही साईचरणी प्रार्थना करतोय। इस दौरान पदयात्रा कर आए सभी साई भक्तों का रविशेठ पाटिल के हाथों सत्कार किया गया।